नशा रोको अभियान के तहत गोला पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। डीएसपी किशोरी लाल के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। गोला पुलिस और एंटी नार्कोटिक सेल ने 4 आरोपियों से नशीली गोलियों का जखीरा बरामद किया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 4,200 गोलियां बरामद हुई हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। नशा रोकने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस द्वारा 6 नाके लगाए गए हैं। ये पहले हरिकेश पकड़ा गया 4 तारीख को, जिसके पास से नशे की काफ़ी गोलियां बरामद हुई थी और उसको एक दिन का रिमांड लेके कोर्ट में पेश किया, एक दिन का रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान 3 उसके साथी पकड़े गए, उनसे ही काफ़ी मात्रा में नशे की गोलियां पकड़ी गई है। टोटल करीब 4,000 के करीब टेबलेट पकड़ी गई है, जो तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जो आज इनको कोर्ट में अन्य साथियों में पेश किया जाएगा और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें जिसका भी आगे कोई नाम आएगा उसको भी निबक्सा जाएगा। नशे के खिलाफ जो भी अभियान चलाया है उसमें जिस जिसकी नाम आएगा, ये एक चैन जुड़ी है काफ़ी इनका, कई दिनों से ये धंधा कर रहे हैं नशीली गोलियां बेचने के। इसमें CIA गुल्ला है जो टीम है और गुल्ला पुलिस स्टेशन की टीम है, दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन ये चल रहा है। नशा रोकने के लिए गोला के स्पेशल एंटीजन नार्कोटिक सेल खोला गया है। DSP ने कहा कि नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।